धान की सुनहरी बालियां इस साल अच्छी उपज होने की गवाही दे रही हैं। धान की फसलों की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के गांदरबल की है, जहां इस समय धान की कटाई अपने शबाब पर है। अच्छी उपज मिलने से किसान काफी खुश हैं। फसल अच्छी पकी है, इंशाल्लाह बहुत अच्छी पकी हुई है, बहुत अच्छी है। हमारी किस्मत भी अच्छी है, इस साल तो अच्छी है, अच्छी अच्छी फसल है, इस साल बहुत अच्छी है। हम खुद भी मेहनत कर रहे हैं और वो जो लोग थे वो भी भाग गए। इस साल हम अपने कंधों पर ही चढ़ाए सब कुछ काम, इसलिए हम अच्छे तरीके से करते हैं। डेढ़ दो हफ्ते हो गए शाली की कटाई शुरू हो गई, और कोई बांध रहा है, किसी ने फाड़ना शुरू किया है। इस साल जो है शाली की काफ़ी अच्छी फसल हुई है, पिछले साल से भी इस साल ज़्यादा अच्छा हुआ, मौसम भी अच्छा रहा है। इस वक्त जुलाई में बारिश हुई, उसके बाद कोई बारिश नहीं हुई, लेकिन हमने इसको यहाँ पानी की से भी सैराब किया है। हमारे खेत में इस साल शाली बहुत अच्छा है। कश्मीर घाटी में अनंतनाग, बड़गांव, पुलवामा और गांदरबल जिलों में धान की खेती की जाती है। कृषि विभाग की कोशिशों और किसानों की मेहनत से इस साल यहाँ बीते साल के मुकाबले 15% ज्यादा धान पैदा होने का अनुमान है। जो बेंचमार्क हमारी 67.5 क्विंटल्स पर हेक्टेयर लास्ट ईयर की हुई थी, जो इंक्रीज की ट्रेंड में हम रजिस्टर कर रहे हैं, इस साल भी ऑलमोस्ट 70 क्विंटल्स और 75 क्विंटल्स के बीच में होने का एस्टिमेट्स लगाए हुए हैं। ये इस नस्बत से है कि एवरी फार्मर नाउ रिप्लेसेस द सीड आफ्टर एवरी 3 इयर्स, सो दैट्स अ बेंचमार्क। धान और दूसरी फसलों की वैज्ञानिक खेती से उत्पादन बढ़ रहा है, इससे किसानों की माली हालत तो बेहतर हुई ही है, घाटी में रोजगार के मौके भी बड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।